हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मामा बाबा, सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद इस अच्छे हेल्थ में होगे और अपने परिवार का ख्याल रखते होगे। तो समर भाई, ये क्या आप इतना इमोशनल ब्लैकमेल जो राधिका के पापा को कर रहे हैं, आपने जो राधिका के पापा को कहा कि गुनगुन की शादी होगी तो इसमें फ़ायदा राधिका का भी है मेरे साथ, क्योंकि राधिका मेरे साथ यहाँ अकेले रह पाएगी और गुनगुन शादी कर लेगी तो अपने घर चली जाएगी, नहीं तो गुनगुन को यहीं रहना पड़ेगा। तो आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि जब आप राधिका से शादी कर रहे थे तो आपने खुद ही कहा था, आप आपकी मम्मी ने राधिका के पेरेंट्स को, कि शादी हमारी होने दो और गुनगुन उसके बाद चली जाएगी, वो उससे मेरा डिवोर्स हो जाएगा तो इसलिए मेरे और राधिका को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी आप दूसरी बात बोल रहे हैं राधिका के पापा को, मतलब आपको किसी भी हालत में पैसे लेने हैं उनके पेरेंट्स से, आपको पैसे चाहिए, इसीलिए आप इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप पैसे दो, नहीं तो फिर गुनगुन की शादी नहीं होगी तो गुनगुन आपके बेटी के सर में चल के बैठी रहेगी। ये तो कहीं का इंसाफ नहीं हुआ। आप तो बहुत अच्छा गेम खेल लेते हो, इतना अच्छा गेम खेल लेते हो कि एक फादर को जबरदस्ती पैसा देना ही पड़ता है। पर मैं राधिका के पापा के लिए बोलना चाहूँगी, अंकल आप इतने अच्छे इंसान हो, आप इतने अच्छे हार्ट के इंसान हो कि आप किसी और की बेटी के ऊपर भी आप अपनी बेटी की तरह ही खर्चा करना चाहते हो। आपने ये जो कहा ना कि मेरे पास अगर नहीं भी होगा तो मैं मार्केट से उठा के 2 लाख हो 4 लाख हो मैं दे दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बोलना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर कोई ना ये चीज़ नहीं बोलता। अब वो भी किसी और का फादर, आप राधिका के फादर होके आप गुनगुन के लिए इतना कर रहे हो, गुनगुन के पेरेंट्स का कोई अता पता नहीं है, तो इसके लिए हैट्स ऑफ टू यू, आप बहुत अच्छे पेरेंट हो, इससे पता चलता है आप कितने अच्छे फादर हो। बस मैं आज के लिए इतना ही बोलना चाहूँगी और ये बोलना चाहूँगी कि अभी भी कुछ ऐसे लालची इंसान हैं जो अपने फ़ायदे के लिए ऐसे दूसरे को लूटना जानते हैं। तो जिसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।